चलो, ये कहता है पोजीशन ऑफ द पार्टिकल टाइम के रिस्पेक्ट में है। देखो अगर तुम क्वेश्चन करना, देखो काइनेमेटिक्स के जितने मैं क्वेश्चन डिस्कस किया हूँ प्यारे बच्चों, अगर तुम कर लोगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा यार, ठीक है। अगर पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम एक्स इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर माइनस बी टी क्यू, पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है, एक्सलेशन विल बी जीरो जब टाइम जीरो होगा, ठीक है। एक्सलेशन विल बी जीरो, कब एक्सलेशन जीरो होगा भैया, एक्सलेशन विल बी जीरो, तो वो टाइम कौन सा है जब एक्सलेशन जीरो होगा, तो हमें तो पता ही नहीं है कि एक्सलेशन जीरो कब हुआ। वी डोंट नो कि हमें ये हम लोगों को पता ही नहीं है कब एक्सलेशन जीरो हुआ, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम वो देख लेते हैं, एक्सलेशन निकालते हैं फिर जीरो करते हैं। तो एक्सलेशन निकालने के लिए हमें वेलोसिटी चाहिए यार, ठीक है। तो सबसे पहले इससे वेलोसिटी निकाल लो, तो वेलोसिटी इसको डिफ्रेंशिएट कर दो 2at और माइनस 3bt स्क्वायर, क्लियर है। ये सबको आता होगा, नीट की तैयारी कर रहे हो भैया, डॉक्टर बनने वाले हो, फ्यूचर के डॉक्टर हो, तो इतना तो आता होगा। तो एक्सलेशन a और a, अब ये इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करो, तो ये 2a और 6bt, ये है प्यारे बच्चों एक्सलेशन। अब एक्सलेशन जब जीरो हुआ तो उस वक्त टाइम निकल जाएगा, तो ये जीरो डाल दो, तो यह आ जाएगा 2a और माइनस 6b और t, मतलब यह आ जाएगा t इज इक्वल टू 2a अपॉन 6b, मतलब यह आ जाएगा a अपॉन 3b। तो ये वो स्पेशल टाइम है जब एक्सलेशन जीरो होगा ही होगा, 2a a बाई 3b, सही है, a बाई 3b, ठीक है ना। ये वो स्पेशल टाइम है जब एक्सलेशन को जीरो होना ही पड़ेगा।